तो भोले भंडारी, आज दिनांक 13 फरवरी 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। 13 फरवरी यार, कुछ मेरे दिमाग में भन भन हो रहा है। क्या भन भन हो रहा है? 13 का अंक, 13 महीने तक चला किसान आंदोलन, और फिर लगभग 13 महीने बाद फिर दोबारा किसान आंदोलन, और आज की तारीख, और 13 नंबर अशुभ नंबर। अरे क्या होगा भाई? मंगल वीडियो सोच समझ के बनाना। आज दिनांक 13 फरवरी 2024, फिर वही किसान आंदोलन, आटे गड़गड़ाते आते हुए ट्रैक्टर, क्या होगा भाई? अरे मंगल, तू अपना वीडियो तो बना। तो मंगल अपना वीडियो तो बना, जिससे कि आज ये दिहाड़ी तो अपनी पूरी हुए। देखिए, आज ये इंडिया टावर, हिंदू टावर, ये मनु टावर जो है, उन फरिश्तों ने आज थोड़ा चेंज कर दिया। ऊपर का ट्रायंगल, टॉप फ्लोर, टॉप विला, B1 B2 और उसकी जगह इन्होंने PB कर दिया। PM पंजाबी माइग्रेंट्स। अब थोड़ा सा इसको हटा कर दिया राजपूतों की जगह पंजाबी माइग्रेंट्स, क्योंकि अब राजपूत 15% HOBC हायर OBC ग्रुप में, अजगर ग्रुप में आ गए हैं। अहिर, जाट, गुजर, राजपूत, और ये 45% हुई LOBC, 30% हुई SC ST घुमंतु। इनके एक दिन अपन अलग अलग कलर के आधार कार्ड की बात कर रहे थे। Red 1, Red 2, Red 3, Yellow 1, Yellow 2, यदि Yellow 3, Y, Blue 1, Blue 2, Blue 3, White 1, White 2, White 3। पता नहीं यार क्यों कोड वर्ड में ये लोग लिखाते हैं, फरिश्ते लोग, मैं तो इनका कुछ जानो नहीं। मैं ठहरा काला अक्षर भैंस बराबर, नीला अक्षर हाथी के बराबर, लाल अक्षर कुछ भी कह लो। अब मैं क्या जानूं भाई, ये लोग कोड वर्ड में लिखाते हैं। सुनिए, अरे यार ये गाना मेरे कानों में क्या पड़ रहा है? हुजूर वाला, मेरा वीडियो बनाना डिस्टर्ब कर रहे हैं यार। कहीं ये लड़कियां मेरे लिए तो नहीं कह रही हुजूर वाला? अरे रहने दे मंगल, रहने दे। क्या यार सुरील गाना है यार, देखता हूँ ये गाना कहाँ गाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़कियाँ गुपचुप मेरे कमरे में आ गई हैं और यहीं पर नाच गा रही हैं। हकीकत नहीं है तो क्या है? अरे तू अपना काम करे ना मंगल, क्या करूँ यार, मजाक के स्वभाव ऐसा ही बनाया भगवान ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़कियाँ मेरे लिए गा रही हैं। तू सुन ले, चलो छोड़ो, आज का वीडियो देखो। आज उन फरिश्तों ने मुझे क्या बताया कि मंगल सुन, मंगल सुन। हाँ भाई सुनाओ। यदि भारत
लुटना लूटना, पीटना पिटना, इन शब्दों का अच्छी तरह अर्थ समझ ले। लूटना लूटना पीटना पिटना यानी किसको लूटना, कौन लूटेगा, कब पीटा जाएगा, किसको पीटना है, क्या होना है। तो भारत में बड़ा भयानक हादसा टल सकता है। मैंने कहा भाई ये क्या यार, भाई मेरे कुछ समझ में नहीं आता। मैं ठहरा काला अक्षर भैंस बराबर, नीला अक्षर बहन जी के हाथी के बराबर, लाल अक्षर कुछ भी कहो। यदि भारत लूटना लूटना पीटना पिटने का अर्थ सही समझ ले तो भारत में बड़े हादसे टल सकते हैं। क्या? मर्डर्स, जेनोसाइड्स, सुसाइड्स, एक्सीडेंट्स। मैंने कहा अच्छा भाई, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला, मैंने आपको बोल दिया, आपको कुछ समझ में आए तो मुझे बताना। लगता है यो इनके अर्थ भविष्य में बताए जाएंगे। यदि भारत लूटना लूटना पीटना पिटने का अर्थ अच्छी तरह समझ ले तो भारत में बड़े हादसे टाले जा सकते हैं। भयानक मर्डर, किलिंग्स, जेनोसाइड, सुसाइड, एक्सीडेंट, अग्निनी। बस ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, लेट पीपल अंडरस्टैंड। फिर ये फरिश्ते एक अखबार दिखाने लगे। मंगल देख 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 ये अखबार, ये भविष्य का अखबार है क्या भाई, आज की ताज़ा खबर ही बता दो। इतना पढ़ना लिखना जानता नहीं कि मंगल मंगल देख ये क्या खबर आई है। एक सेठ जी हैं जो, एक सेठ जी के यहाँ गुंडे लूटने गए। अच्छा फिर क्या हुआ? उसको सेठ जी को जैसे ही पता चली, वो अपना माल मत्ता लेकर अंदर एक कोठरी में जाकर बैठक बैठ गया कि मेरा पैसा बच जाए, और बाहर सारे घर वालों को छोड़ गया। अच्छा उसके बाद उन्होंने देखा कि सेठ जी है नहीं, अब पैसा माल मत्ता मिलेगा नहीं, तो वे गुंडे उसकी दो लड़की और एक उसकी मैडम को उठा ले गए। भाई ये तो बहुत बड़ा भयानक हादसा है भाई, ये तो बहुत बुरा किया। अरे वो 1,000-2,000 दे करके वो पिंड छुड़ा लेता, ऐसा क्या बात थी भाई, ये ऐसा हुआ। आज की ताज़ा खबर भाई, मैंने कि बता देता हूँ इसका क्या अर्थ है, कहाँ की ये खबर मुझे पता नहीं। ये फरिश्ते लोग भी बड़े कौटवट में बताते रहते हैं। अब इन फरिश्तों से मैंने क्या प्रश्न किया, मेरा क्या जिज्ञासु दिमाग है, पहले से थोड़ा दिमाग खराब रहा है कि इंडिया टावर को रिकंस्ट्रक्शन में इसमें बताने, ये बताया B1 B2 PM पंजाबी माइग्रेंट, ये राजपूतों की जगह रख लिया, ये ऊपर ये क्या लगा हुआ है, ये मैंने पूछा। अरे फरिश्तों ये बताओ ये क्या है, ये कोई एंटेना है क्या है, कि क्या कोई परिचालक है, ये किस धातु, किस चीज़ का बना हुआ है, किस धातु का बना हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है, और इसमें पीरी 3 पत्तियां क्या है, क्या ये शिव जी का त्रिशूल है, ये चक्कर क्या है, एंटेना की लंबाई कितनी है। मेरा तो प्रश्न करना था कि सारे देव फरिश्ते लोग मुझे झिड़कने लगे, धमकियां देने लगे, अरे मंगल मंगल तू अपने हद में रहकर। मैंने कहा सर सॉरी, मैंने बोल दिया भाई सर सॉरी, मैं गलती से ऐसा कर देता हूँ, मैं तो कान पकड़ता हूँ, अब नहीं पूछूँगा क्या ये एंटेना है, कि परिचालक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी किस धातु में बना हुआ है, इसमें 3 पत्तियां कैसे लिखी लगी हुई हैं, भाई फरिश्तों बता दो। उन्होंने कहा कि तू देश में दंगा कराएगा मंगल। मैंने कहा इस बात से दंगे हो जाएंगे भाई, मैं नहीं पूछूंगा, मैं डर गया, आगे भी कभी नहीं पूछूंगा। अब और सुनिए, आज एक पिछले कमेंट में
पिछले एक भाई ने कमेंट किया, मंगल तू समझता क्या है, समझता क्या है? मैंने सर बताओ कि ये सर है ना जो अपने देश को नचा रहे हैं, ये रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। मैंने कहा भाई मैंने भी सुना है दुर्गा सप्तशती इतनी चमत्कारी किताब है। मैंने भी भाई भोले भंडारी का चमत्कार देखा है, तब से मैं उनका मुरीद बन गया। इसीलिए कोई चीज़ कोई भी काम करने से पहले भोले भंडारी जरूर बोलता हूँ। दुर्गा सप्तशती चमत्कारी किताब हुई। मैंने कहा ये सर ये बड़े आदमी रोजाना ये करते हैं, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कहा सर आपने पहले नहीं बताया, हमारे देश की मरहूम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बड़े बड़े लोग, क्या उनको इस दुर्गा सप्तशती नहीं मिली? किसी ने उनको नहीं दिया? देखो मैं किसी पवित्र किताब का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं इनमें विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं शब्दों में विश्वास करता हूँ। जैसा हुआ मैंने आपको बता दिया। ये दुर्गा सप्तशती को पाठ करते हैं। अरे भाई वो जापान के बाबे प्रधानमंत्री, उसको भी आप एक पहुंचा देते, सारे राष्ट्राध्यक्षों को एक एक किताब पहुंचा दो। क्या ये गार्ड लगा रखे हैं कई कई लेयर्स में, कई कई झंझट। और मैंने कहा सर ये जो ऐसा ही है, फिर गार्ड वार्डों को हटाओ, Z1+ सिक्योरिटी इस तरह से। कोई उत्तर नहीं था। पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें पता नहीं है। ये फरिश्ते क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला, ये MB से बोलो, इस रंगमंच पर तुम्हारी एक्टिंग पूरी हो गई, अब पीछे हट जाओ वरना बड़ा खतरा है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत। यार ये गाने वाले पता नहीं कौन चलाता है, मेरा डिस्टर्बेंस करते हैं, मेरा इनके बिना काम चलता नहीं। इन MB से कहो, मंगल इन MB से कहो। मैंने कहा MB कौन, कि इस रंगमंच पर उनका पाठ पूरा हुआ, अब पीछे चले जाए पर्दे के पीछे वरना खतरा ही खतरा है। मैंने कहा कौन MB? उन्होंने मेरे कान में फुसफुसाया, MB। अरे तू जानता नहीं मंगल एंड कंपनी। और अब मैंने कहा भाई मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इनको ये कहना कि इनका पार्ट पूरा हुआ, इनकी एक्टिंग पूरी हुई, अब पर्दे के पीछे चले जाओ। अरे मरना है फरिश्तों तुम्हें, तुमको वहाँ पैराडाइज तक नहीं छोड़ेंगे ये। भाई उन्होंने कह दिया, मैंने भी कह दिया, मैं भी इशारे में कहूँगा, मैं किसी को MB का अर्थ नहीं बताऊंगा। आजा बड़ी चित्र विचित्र दुनिया है, किसी को पता है नहीं, सब भागे चल जा रहे हैं। जिंदगी किस चीज का नाम है कोई नहीं जानता। मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं। अरे यार गाना सुन लो ना यार, वीडियो तो छोटा भी चलेगा बड़ा चलेगा। ये इंडिया टावर, यही हिंदू टावर है, यही मनु टावर है। किसी भी मंजिल में कभी भी आग लग जाए और ये टावर लाख से बड़ी हुई है, ये लक्षग्रह है, कभी बड़ा हादसा हो सकता है। मान लो सीमेंट कंक्रीट पे बनी हुई है तो भी किसी भी मंजिल में आग लगे नुकसान तो ज़्यादा कि नहीं हुआ। ऐसे ही है, समय कभी सीधा चलता है कभी वक्र गति से चलता है। कुछ सुन ही नहीं रहा, मत सुनो भाई, मेरा तो काम है, मुझे जो बोला गया मैंने आपको बोल दिया, बाकी मैं क्या जानूं। काला अक्षर है बराबर, अब आप जानो इनका क्या अर्थ है। आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।